Hello friend, I am Shrush. Let's solve IMO practice paper of class 2nd. Friends, this paper has 4 parts. First part is logical reasoning. First question is find the missing figure. Yani yahan jo question mark pe kaun sa figure aayega? Let's observe. यहाँ क्वेश्चन फिगर्स दिए हैं और यहाँ आंसर फिगर्स दिए हैं. आंसर फिगर्स कौन से हैं? ए बी सी डी. लेट्स ऑब्जर्व क्वेश्चन फिगर्स. तो यहाँ ट्रायंगल दिया है और यहाँ छोटे छोटे दो ट्रायंगल्स दिए हैं. इन दोनों ट्रायंगल्स को मिला के ही ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनता है. अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट फिगर क्या है? सर्कल. तो ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल, ये आधा सर्कल और ये आधा सर्कल, ये इन दोनों सेमी सर्कल को जोड़ के ही ये कंप्लीट सर्कल बनना है. अब नेक्स्ट क्या है? स्क्वायर. ये फिगर और इसमें से कौन सी फिगर जोड़ने के बाद ये कंप्लीट स्क्वायर बनता है? तो ए वाली लिखेंगे तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा. बी वाली रखेंगे तो बनेगा. तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट. यानी इन 4 फिगर में से कौन सा ऑड वन आउट है? इन 4 ऑप्शन में से या फिगर में से कौन सा ऑड वन आउट है या गलत है? अब यहाँ स्क्वायर दिया है तो इसे कौन कॉर्नर्स कितने हैं? 1 2 3 4. यहाँ लिखेंगे हम 4. अब यहाँ क्वाड्रिलेटरल दिया है तो इसे कॉर्नर्स कितने हैं? 1 2 3 4. यहाँ लिखेंगे 4. यहाँ भी एक क्वाड्रिलेटरल ही दिया है तो इसे कॉर्नर्स कितने हैं? 1 2 3 4. यहाँ लिखेंगे 4. यानी ए बी सी ये इन तीनों ऑप्शन में 4 4 4 कॉर्नर्स हैं. अब लास्ट में कितने कॉर्नर्स हैं? 1 2 3 4 5. यहाँ लिखेंगे 5. तो ए बी सी इन ऑप्शंस में 4 जो फिगर्स दिए हैं उनके कॉर्नर्स कितने हैं? 4. और सिर्फ लास्ट के जो ऑप्शन में फिगर दिया है उसके कॉर्नर से 5. तो हमारा ऑड वन आउट होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है बीना इज टॉलर देन मेघा. यानी मेघा से टॉलर बीना है. मेघा इज टॉलर देन प्रिया. यानी प्रिया से ऊंची मेघा है. बीना इज टॉलर देन लतिका. यानी लतिका से छोटी या स्मॉल बीना है. हु अमोंग इज द टॉलेस्ट. यानी सबसे टॉलेस्ट कौन होगी? लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन हेल्प ऑफ द वर्टिकल लाइन. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? बीना इज टॉलर देन मेघा. यानी यहाँ हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके नीचे देंगे हम बी. बी यानी बीना. अब मेघा, तो यहाँ हम यहाँ मेघा देंगे और यहाँ एम. यानी मेघा से ऊंची बीना है. अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है? मेघा इज टॉलर देन प्रिया. अब ऑलरेडी हमने यहाँ मेघा की लाइन, मेघा की वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है. अब प्रिया की करेंगे तो इसके नीचे हम देंगे पी यानी प्रिया. पी यानी प्रिया, एम यानी मेघा, बी और बी यानी बीना. तो प्रिया से टॉलर मेघा है. अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है? लतिका इज टॉलर देन बीना. यानी बीना से टॉलर लतिका है. तो यहाँ हम बीना से टॉलर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके नीचे देंगे यल. यल यानी लतिका. तो
who among is the tallest? तो इसमें सबसे tallest कौन है friend? लतिका, right? सबसे tallest रतिका है. तो हमारा आंसर आएगा option C, लतिका. Next question is मोहित started his football practice on 2nd December. यानी मोहित ने उसकी फुटबॉल प्रैक्टिस 2nd December को स्टार्ट की. He practiced for 8 days. यानी वो 2 December से 8 days प्रैक्टिस कर रहा है. And then goes for 1 week break. यानी ये 8 days उसने प्रैक्टिस की और नेक्स्ट वो 1 week break ले लिया है उसने. Again he practices for 3 days. यानी 1 week के ब्रेक के बाद उसने और 3 डेज प्रैक्टिस की. ही प्रैक्टिस फिनिशेस ऑन, यानी उसकी प्रैक्टिस कब फिनिशेस होंगी. सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग गिवन कैलेंडर. तो उसने 2nd दिसंबर को प्रैक्टिस करना शुरू किया. तो उसने 8 डेज प्रैक्टिस की. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 9th दिसंबर से उसने प्रैक्टिस की. अब नेक्स्ट डे क्या होगा 10th दिसंबर. तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है? एंड देन गोज फॉर 1 week ब्रेक. यानी उसने और 1 week ब्रेक ले लिया. तो हमें पता है 1 week में 7 डेज होते हैं. तो 7 डेज को हम क्रॉस करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो आ गया वो 16th दिसंबर को. यानी वो 16th दिसंबर को 1 week ब्रेक ले लिया. अगेन ही प्रैक्टिसेस फॉर 3 days. यानी वो अगेन 3 days प्रैक्टिस की. तो हम 3 days को सर्कल करेंगे. 1, 2, 3. अब नेक्स्ट सेंटेंस, हिज प्रैक्टिस फिनिशेस ऑन. तो उसकी प्रैक्टिस कब फिनिशेस होंगी? 19th दिसंबर को. तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर डैश डैश ट्रायंगल्स, डैश डैश स्क्वायर्स एंड डैश डैश सर्कल्स इन द गिवन फिगर. यानी हमें यहाँ 3 फिगर्स दिए हैं. उसमें ट्रायंगल्स कितने हैं, स्क्वायर्स कितने हैं, सर्कल्स कितने हैं, वो हमें यहाँ काउंट करना है. लेट्स काउंट फॉर सर्कल्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 or 19. तो 19 और ये हो गया 20. ये 21 और इसके अंदर का ब्लैक जो सर्कल है वो हो गया 22. यानी सर्कल्स हैं 22. अब नेक्स्ट स्क्वेयर्स है क्या यहाँ? नहीं है. तो ये हो गया 0 स्क्वेयर्स. अब ट्रायंगल्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये 7, 8, ये 9. यहाँ लिखेंगे हम 9. यानी 9, 0, 22. ये ऑप्शन है क्या यहाँ? है, पर स्क्वेयर्स मैच नहीं होते. अब यहाँ 0 वाला ऑप्शन नहीं है, है पर सर्कल मैच नहीं होते. यानी हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग नंबर. यानी क्वेश्चन मार्क पे कौन सा नंबर आएगा वो हमें
फाइंड आउट करना है। तो एक बड़े से स्क्वायर में एक छोटे छोटे स्क्वायर्स दिए हैं, तो उनका तो उनके जो छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं उनके अंदर जो नंबर्स है उसका एडिशन करके देखेंगे। तो 4 + 8 = 12, 6 + 6 = 12, 9 + 3 = 12, 5 + how much = 12, तो 5 + 6 = 11, 5 + 7 = 12, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी 7। क्वेश्चन इज इफ क्लाउन जी, तो जी क्लाउन कहाँ है, यहाँ। क्लाउन यानी फ्रेंड्स जोकर। इफ क्लाउन जी एंड क्लाउन ई, यहाँ जी है और यहाँ ई है, इंटरचेंज देयर पोजीशन, यानी ई यहाँ जाएगा और जी यहाँ जाएगा, देन क्लाउन डैश डैश इज एट लेफ्ट एंड, तो ये राइट एंड है और इन दोनों में से लेफ्ट कौन सा है, लेफ्ट पर कौन सा लेटर, कौन सा क्लाउन है, तो लेफ्ट एंड पर है ई। फ्रेंड्स यहाँ हमें एक्सट्रीम लेफ्ट नहीं पूछा है, एक्सट्रीम लेफ्ट पूछा होता तो डी आ जाता। सिर्फ हमें इन दोनों में ही लेफ्ट पूछा है, तो लेफ्ट कौन सा आ गया, ई, यानी हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 5 बिलोंग्स टू ग्रुप डैश डैश, यानी 5 अकेला 5 किस ग्रुप में है। यहाँ हमें 4 ग्रुप्स दिए हैं, फर्स्ट ग्रुप पी, सेकंड ग्रुप क्यू, थर्ड ग्रुप आर, फोर्थ ग्रुप यस। तो यहाँ 3, 2, 4, 5 इनमें, यहाँ हमें इनके टेबल्स दिए हैं, तो 3 के टेबल में 5 आता है क्या, नहीं आता है, आता है पर 1 के साथ आता है, यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ 5 चाहिए और अकेला 5 चाहिए। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में 5 जरूर आता है, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी ओनली यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज द लॉन्गेस्ट पेन, यानी सबसे लॉन्गेस्ट पेन कौन सी है। यहाँ हमें पी क्यू आर एस ये पेन्स दिए हैं, तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन होगी, तो पी कहाँ से स्टार्ट होती है, 3 से, और कहाँ से एंड होती है, 10 तक, यानी हम 10 - 3 करेंगे, तो 10 - 3 तो 0 - 3 नहीं होता है, तो यहाँ से हम 1 बोरो लेंगे, तो यहाँ बन गया 10, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, तो कितना आ गया 7, तो यहाँ हम लिखेंगे 7, यानी P ये पेन की लेंथ कितनी है 7 cm। अब नेक्स्ट यस की कितनी है, 7 से शुरुआत स्टार्ट होती है और 12 तक एंड होती है, तो हम 12 - 7 करेंगे, तो 12 - 7 नहीं होता है, तो यहाँ से हम 1 बोरो लेंगे, यहाँ हो गया 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो S पेन की लेंथ है 5 cm। अब नेक्स्ट है R, तो R की कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है और 8 तक एंड होती है, तो हमें पता है इसकी लेंथ कितनी है 8, तो इसकी लेंथ है 8 cm। अब क्योंकि 0 से शुरुआत स्टार्ट होती है और
9 तक रुकती है, यानी क्यू पेन की लेंथ है 9 सेंटीमीटर। यानी सबसे लॉन्ग पेन कौन सी है? क्यू। यानी हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी, क्यू। लॉजिकल रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्टन रिलेशनशिप बिटवीन द फिगर फर्स्ट एंड थर्ड। यानी फर्स्ट एंड थर्ड में कुछ रिलेशन है, फर्स्ट एंड थर्ड फिगर में कुछ रिलेशन है, एंड सेकंड एंड फोर्थ, यानी सेकंड एंड फोर्थ में कुछ रिलेशन है। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप एंड फाइंड द मिसिंग फिगर। यानी यहाँ रिलेशन हमें आइडेंटिफाई करना है और यहाँ मिसिंग फिगर हमें रखना है या फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट और थर्ड में क्या रिलेशन है? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ 5, यहाँ एक स्टार दिया है, स्टार के अंदर सर्कल है। अब थर्ड फिगर का क्या रिलेशन है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 ट्रायंगल्स के अंदर सर्कल दिया है। यहाँ भी कितने ट्रायंगल्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। अब सेकंड और फोर्थ का क्या रिलेशन है? सेकंड फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं? 1, 2, 3, 4। 4 ट्रायंगल्स हैं और स्क्वायर के अंदर सर्कल है। अब फोर्थ फिगर का क्या रिलेशन होगा? ऐसे 4 ट्रायंगल्स ऐसे होंगे और यहाँ सर्कल स्क्वायर होगा, उसके अंदर सर्कल। तो ऐसा फिगर है क्या? कहाँ है? तो ए ऑप्शन में। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन